पाया अब फिल्म का तो हमें नाम ध्यान नहीं, वैसे हम फिल्म बहुत देखते हैं, हमारे घर पर खूब बड़ा एलसीडी है, लंबी टांग करके खूब फिल्म देखते हैं आराम से, चैन से, सुकून से, कोई टेंशन नहीं है हमको, हमारा दिमाग एकदम स्वस्थ है। तो देखिए एक गीत आया, हम देख रहे थे पड़े पड़े, कौन सा चल जी इसको गा रहे थे, कौन सा है और नरेंद्र चंचल जी जैसी सिर्फ चित आवाज जो एकदम कोयल है, सुनिएगा यारा ओ यारा इश्क मारा हो गया तो तुझ में ठीक है, तो यारा इश्क हो गया कुछ तो देखिएगा ये तो फिल्म वाला की धुन है, 20 रुपए बोलने हैं, आदरणीय दादाजी की तरफ से 20 रुपए का आशीर्वाद आया है, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना करती हूं, मेरा गीत अच्छा लगा, तो देखिए कहा क्या है, क्या बात है बेटा, मैं बेनाम हो गया, मैं बेनाम हो गया, बेनाम, लेकिन मेरे गीत में भी अगर कोई बेनाम हो जाए तो आशीर्वाद जरूर दीजिएगा, लेकिन गीत कहता है कि एक नाम
है थाई जाने सकल जहान। अधिक विशेष समझाने का कुछ है नहीं, बिल्कुल खुला हुआ गीत है, आपकी समझ में यूं ही चलता जाएगा। अब कहना क्या है, सत्योग से स्टार्ट होता है गीत, चार गीत है, तो देखिए सत्योग में क्या है कि धारा हो रहा है, कैसे माने बेनाम हो रहा है, कैसे थोड़ा थोड़ा देखिएगा। लेकिन उसी हयग्रीव से वेदों को वापस लाने के लिए भगवान श्री नारायण हरि ने फिर हयग्रीव ही रूप धारण किया। देखिए फिर होता क्या है, क्या होता है कि हयग्रीव भारी और अत्याचारी और वेदों का उसने और जो चुराया था वेद रूपी धन वो भी गया, तो गया गया था हुआ कन्या, तो है गरीब और है गरीब जैसे एक श्री हरि तो इस देश को ही कैसे सकते हैं, तो ये संपूर्ण और न जाने कितने भूमंडल चलते हैं, न जाने कितने विश्व है, न जाने कितने भूमंडल है, तो जो है ग्रीव नाम राक्षस था वो नष्ट हो गया अर्थात विनाश हो गया। और अब देखिए आगे क्या होता है, क्या बात है, अब चले सी
फिर नष्ट कर दीजिए। जो योग बल से महेंद्र पर्वत पर आने जाने की शक्ति है वो क्षीण हो जाएगी। तीसरी भी ऐसी है ढोंगी पैदा हुआ काशी का राजा था। उसको किसी ने सरका दिया, बोले क्या है कृष्ण कुछ नहीं है, वासुदेव वो तो डर के मारे रण छोड़ के भाग जाता है, उसको डराना कोई बड़ी बात नहीं है। तो बोले करना क्या, बोले नकली चार भुजाएं लगा लो, एक एक चक्र सुदर्शन ले लो, उड़ने के लिए कोई वाहन बना लो। भाई विज्ञान पहले बहुत तेज था, आज के जमाने से पहले ज्यादा तेज था। काशी के राजा का जो पुत्र था उसको सहदेव ने मारा और उस पौंडर ने तुरंत जो है अपनी नकली भुजाएं लगा ली और मतलब पूरा वेश धारण कर लिया भगवान श्री कृष्ण की तरह। भगवान कृष्ण को ललकार दिया कि ए नकली कृष्ण, अगर तुझ में बल है तो असली वासुदेव का सामना कर। कृष्ण कन्हैया बोले क्योंकि उसका भी नाम वासुदेव था और कृष्ण भी वासुदेव थे। उसका नाम कौन था, उसने अपना नाम वासुदेव रख लिया क्योंकि वो होर करना चाहता था श्री कृष्ण से बराबरी। तो कन्हैया बोले बोले तू पता नहीं आ जाता हूँ तुझसे मिलने भाई। तो जब मिलने गए तो मिलने का फिर अंजाम क्या होता देखिए। सत्युग क्या बताया मैंने आपको, अब लास्ट त्रेता द्वापर का बताया, अब आइएगा कलयुग में जिसमें हमारा अभी बिल्कुल एट द स्पॉट जय जय कि नीरव मोदी
गर्व के साथ कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं और मोदी है तो हर काम मुमकिन है। आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी ने सावन के सोमवारों में ही करके दिखा दिया। तो देखिएगा एक मोदी भाया और एक है छुपाया, एक मोदी भाया और एक ने झुकाया। फिर कुतरिया करने लगी लगी काए काए। अच्छा कुतिया ऐसे बोलती काए काए नहीं और क्या। और मैं त्रेता शतयुग का प्रसंग आ रही हूँ। अब कहाँ तक कहा जाए, रात भर कुछ नहीं कहा तो अब क्या कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ना, अब कुछ न कहो, चुप रहो, रहो चुप रहो। कमेटी वाले सभी भैया हमारे उपस्थित श्रोता बंधु, जानते हो कि कोई भी गाना फंसाने वाला नहीं होता है। पब्लिक बोर जब होती है जब कलाकार अपना गाना खुद बैठा ना पाए, स्वयं का गाना जब तक सुर पर कायम ना हो तब तक अच्छा नहीं लगता है। मैं एक बात बताया, फिल्मी गाना कोई भी उठा के बजा दीजिए चाहे जितना रात का गाना हो अच्छा लगेगा, क्योंकि वो स्वर संयम बिल्कुल सदा हुआ रहता है। ये ले लेता हूं बाबूलाल भैया जी, गुप्ता घाट आपकी तरफ से ये 11 पद मुद्राएं हैं, धन्यवाद है। सुनिएगा सुनिए हरियाला हो या सुर है और गाना यही सुन रहा है भैया जी, स्टार्टिंग उसकी यही है। हरियाला हो यारा, पहले सुर छोड़ा गया Yeah!
बढ़िया गीत है। एक इशारा किया गया, अरे आइए 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 आइए, क्या कहे, कुछ गाना बताना, क्या बात करें। यही मतलब नहीं है कि क्या गाना गाया जाए, अगर सामने वाले को फंसाने वाला गाना हो तो ना गाए। खलखा द्विवेदी को इतने हल्के में भी ना लेना, ये कल्पना दुबे का बंडल है, कोई बीड़ी का बंडल नहीं जो धुएं में उड़ा दिया जाए। ये गाने हम बहुत पहले गा चुके हैं। शुरू किया था गाना बजाना तभी गाया था, नाम हनुमान हो गया। हमारे आशीष वर्मा जी की तरफ से एक क्या मुद्राएं हैं भैया, मुकेश के लिए। बात है, ले लो मुकेश, क्या बात है, बहुत मेहनत कर रहा है ये लड़का, ये है मेहनती लड़का। ये मुकेश भैया के लिए रवि भैया की तरफ से है, धन्यवाद। इसको भैरवी, और बढ़िया प्रयास आप लोगों ने सुना है। एक एक नाम हो गया हृदय गर्भ, दो एक बेनाम हो गया, परशुराम और राम दो, क्या बात है, एक बेनाम हो गया। बेनाम का मतलब होता है जिसका नाम ना रहे। परशुराम जी तो चिरंजीव है, श्री राम भैया वो तो आज भी है, कैसे गानों पे ताली बजवाते हो आप, समझो। हम लोग आज भी परशुराम जयंती मना रहे हैं, कहां से बेनाम हो गए, नहीं मनाते हैं क्या? हेलो, मनाते हैं भाई, जनता से अनुरोध है फिर एक बार ताली बजाओ भाई, अच्छा गीत लगता हो तो बचेगी। कंजूसी नहीं करिए भाई, ताली तो बहुत बजेगी। और क्या, देखिए मैं आपको ये ना करना कि मैं आपको व्यंग कर रही हूँ, ना आप मुझसे और मैं आपसे काफी समय से परिचित हूँ, समझ रही हूँ कि कार्यक्रम को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। श्री राम भैया विश्वास माने केवल कार्यक्रम को सजाना था, नहीं तो आप जानते हैं कि कल्पना द्विवेदी क्या है, केवल कार्यक्रम खराब ना हो, क्योंकि हम अगर एक दूसरे के लिए गाने लगेंगे तो फिर आप लोग यहाँ नहीं टिकेंगे। और अगर हम एक दूसरे के लिए गाने लगेंगे तो गारंटी है कि श्रोता अपने घर जाने लगेंगे। कार्यक्रम जो खर्चा हुआ है उसको सजाने के लिए व्यर्थ ना जाए, ये समय ऐसा बढ़ता जाए कि लोगों को आनंद आता जाए। बहुत सी बातें उधर से कहीं जा रही थी, मैं चाहती मैं भी जवाब देती रहती, लेकिन नहीं 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 नहीं, अब नहीं नहीं नहीं, हम कभी नहीं कहेंगे। और बात है बेटे, आपने देखा है कि बड़े से बड़े कलाकार छोटे से छोटे कलाकार के साथ मेरा कभी कार्यक्रम फ्लॉप नहीं हुआ है। उसकी वजह ये रही है कि करुणा जी तो बहुत बड़ी कलाकार है, बिल्कुल बेटा बिल्कुल, बहुत छोटे से छोटे, यानी हम भी बहुत बड़े कलाकार नहीं है, लेकिन जो पहली बार भी जवाबी कर रहे हैं उनके साथ भी मेरा कार्यक्रम हमेशा ऐसा ही रहा जैसा आज है, क्योंकि मैंने आप लोगों को देखा है, उधर देखा ही नहीं है। और क्या बेटे, सोतो है, फिर आपने दिखाया पंडित एक बेनाम हो गया, फिर आपने दिखाया नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी, एक नाम नहीं है, नीरव मोदी अलग बात है, नरेंद्र मोदी अलग बात है, मतलब करुणा शर्मा अलग बात है, कल्पना द्विवेदी अलग बात है, रास
एक हो जाना ये भी एक अलग बात है, लेकिन है अलग। और पौंडर का तो ये रास भी नहीं है, भले ही वो अपने आप को कहता कि हम कृष्ण के जैसे हैं, लेकिन कोई उसे कृष्ण नहीं बुलाता, उसको पौंडर ही बुलाते थे। जैसे कि पापा और पापी रास एक है, लेकिन बहुत फर्क है। अब आइए कुछ ऐसी बात आ जाए जो आप तक पहुंच जाए जवाब, और आपको लगे मुझे कहना ना पड़े, ताली अपने आप बज जाए। अभी नहीं, जवाब आप तक पहुंच जाए। अरे मारा है मारा जा करके मारा, सबे को मिला है देखो परिया, एक राशि के दो नाम है, एक बदनाम हो गया, एक का नाम हो गया, और आज भी उसका कोई नाम ना रखे तब तो बात बने। और क्या पहला सतयुग से सुनिए, सुनो हरी और हेरा कश्यप, ये भी हाथ से शुरू है, वो भी हाथ से शुरू है, दोनों की एक ही राशि है, लेकिन हेरा कश्यप को किसने मारा? हरि ने भगवान नरसिंह रूप धारण करके। और त्रेता में देखे तो त्रेता युग में रास नहीं मिल रही है, एक दूसरे के विरोधी है। और आज भी आपने हरि नाम सुना होगा, आपने राम नाम सुना होगा, लेकिन किसी का नाम है हिरण्यकश्यप, किसी का नाम है रावण, तो कहना पड़ा क्या द्रौपदी में कोई एक राशि का मिल जाए और उसको मारने वाला वही हो, एक राशि की एक राशि ना बने। सुनिएगा कृष्ण, अब कलयुग कलयुग में भी लाना पड़ेगा, बिल्कुल एक बाबा है रामदेव और दूसरे हैं राम रही, मेरी तरफ मत देखो। ए आप तो रहीम खान जी हैं। हाँ, अब वो रहीम नहीं है, जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुशल, और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत भुजंग। Oh,
की सेवा में आइए सुनिए। हेलो कल्पना जी, हमारा उद्देश्य एक है।